Audio Jungle. कोरोना महामारी के चलते कोई भी मजदूर कोई भी परिवार भूखा ना सोए, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों में खाने का बंदोबस्त किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय निवासी वरिष्ठ लोग इस खाने का वितरण कर रहे हैं और सिविल डिफेंस के जवान हमारे इसमें साथ हैं। सिविल डिफेंस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस, और ये काफ़ी संख्या में यहाँ लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी मजदूर परिवार यहाँ दिल्ली में इस तरह के हैं जो कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, रोज़ाना कमाने वाले हैं, उनका कमाना रोज़ाना का बंद हो गया है और बंद के चलते वह परिवार में खाना नहीं बन रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये खाना दिया जा रहा है। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम का प्राथमिक स्कूल है जो कि गांवरी उत्तरी सहादा क्षेत्र में पड़ता है। इस स्कूल में यहाँ पर ठाकुर प्रेमपाल सिंह जी हैं और उनके परिवार वाले लोग हैं जो कि इस खाने को वितरण कराने में पूरी मदद कर रहे हैं और जो स्थानीय निवासी हैं उनको इस में पूरी मदद कर रहे हैं, और सिविल डिफेंस के जो यहाँ पर जवान लगे हुए हैं वो बाकायदा यहाँ पर पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कोई जो सोशल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है, गोले बनाए गए हैं, उन गोलों के एक एक मीटर की जो सोशल डिस्टेंस है उस दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। सिविल डिफेंस के जवान उसको मुस्तैदी के साथ, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, उसी तरीके से उसको खाने को वितरण किया जा रहा है। नंबर वाइज सब अपनी पारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं, वितरण में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ ठाकुर प्रेमपाल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यह किया जा रहा है और कितनी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। बात करें प्रेमपाल जी, जिस तरह देखा जा रहा है दिल्ली सरकार इसे काफ़ी अहम योगदान दे रही है, खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप जो कर रहे हैं? ये दिल्ली सरकार का पिछले 3 दिनों से जो प्रोग्राम चल रहा है ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। आज हमारा पूरा देश, दिल्ली और पूरा भारतवर्ष संकट की घड़ी में है, लेकिन हिम्मत भी हमारे भारतवासियों में इतनी है कि किसी भी संकट की घड़ी का हम पूरी शिद्दत से और पूरी तन मन धन से उसको हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं और सारे लोग सहयोग करते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक जो हमारे भाई यहाँ पे जो अपने घरों को नहीं जा पाए हैं, जो डेली बेसिस कमाने वाले थे, रेहड़ी पटरी वाले थे, जिनके लिए कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, जिन पर पैसे की भी व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए इस संकट की घड़ी को देखते हुए 3 दिन पहले खाने की व्यवस्था की थी, जो 20,000 आदमियों का प्रोग्राम रखा था, लेकिन वो व्यवस्था बहुत छोटी पड़ी। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हमारे बाहर से राज्यों से आए हुए लोग रहते हैं, उनको देखते हुए कल 2 लाख लोगों की व्यवस्था की गई और आज उसको बढ़ा के 4 लाख लोगों की व्यवस्था की गई है। तो इसका हम और हमारे सभी क्षेत्रवासी, दिल्ली गवर्नमेंट, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब उसी कड़ी में, क्योंकि उनका काम है व्यवस्था करना, लेकिन हमारे समाज का और आप जैसे लोगों का, हमारे भाइयों का काम है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। तो इस व्यवस्था को हम पूरे तन मन धन से सारे सिविल डिफेंस के लोगों के साथ, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयियों के साथ और आपके पत्रकार भाइयों के साथ मिलकर पूरी सजगता और तत्परता के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी भाइयों को खाना मिले उस हिसाब से हम पूरी व्यवस्था, सुबह 11 बजे से हमने लाइनें लगवानी शुरू कर दी थी, 11:30 से 12 के बीच में यहाँ पर खाना आ गया था, रात को भी खाना दिया गया था, लेकिन आज लोगों को पता चली है तो बहुत बड़ी संख्या में बाहर लाइन लगी हुई है। व्यवस्था में पूरा एक दूसरे से गैप बना के, सोशल डिस्टेंसिंग बना के बाहर भी हमने लाइन का अरेंजमेंट करवाया है। परिवार के मुखिया मौजूद हैं जो खाना लेके यहाँ से जा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उनको दिल्ली सरकार ने जो बंदोबस्त किया है जानना चाहेंगे। हमारे साथ बाबा हैं जी, बाबा आप जानना चाहेंगे कि आप जो भोजन लेके जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? अरे एक हफ्ते से हमने खाना नहीं मिला, हम भूखे मर रहे, पियाते मर रहे, काम बंद हो गया, तो हमारा रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले। दिल्ली सरकार आपको भोजन दे रही है, आप खुश हैं? हाँ जी, अब 3-4 दिन में मिला हमें भोजन। और लोग भी हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगी कि किस तरह का उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, खाना सही मिल रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी मेरा नाम आयशा। हाँ आयशा, बताएं आप जो भोजन मिल रहा है आपको कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश हैं आप दिल्ली सरकार जो काम कर रही है? हाँ जी, हम खुश हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं इस लाइन में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि परिवार में क्योंकि भोजन का संकट इनके सामने है और यहाँ दिल्ली सरकार इनके संकट को दूर कर रही है। महिलाओं से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे?
इससे बड़े तो कच्ची चावल देना चाहिए 10 किलो और 10 किलो आटा देना चाहिए, 10 किलो दाल देनी चाहिए। जो सामान मिल रहा है उसमें आपको पूर्ति नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही पूर्ति। अब एक दिन खाने मिल रहा है इसमें क्या होगा बता, और भी तो घर में आएंगे खाने वाले। जिस तरह से अगावड़ी प्राथमिक विद्यालय में खाना बांटा जा रहा है, जिस तरह ठाकुर प्रेमपाल सिंह ने बताया जो खाना जिनके नेतृत्व में बांटा जा रहा है कि पहले 20,000 लोगों का था, फिर उसके बाद ये संख्या बढ़ा के 1 लाख कर दी गई और अब आज करीब 2 लाख लोगों के लिए यहाँ भोजन वितरित किया गया। लेकिन जिस तरह जनता और जो भोजन लेने वाले परिवार हैं उनकी माने तो घर में काफ़ी सदस्य होने के बावजूद ये खाना उनको कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरह की कोशिश कर रही है वह वाकई काबिल तारीफ है और जिस तरह से यहाँ के जो स्वयंसेवी इस भोजन वितरण में अपना योगदान दे रहे हैं, सिविल डिफेंस के जवान योगदान दे रहे हैं, वाकई वो काबिल तारीफ है। और तेज निगाह चैनल भी आपसे अपील करता है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार जगह जगह भोजन व्यवस्था बना रही है उसमें आप भी उस व्यवस्था को बनाने में अपना अहम योगदान दें ताकि जिसके घर भोजन नहीं बनाया उसके घर भोजन पहुंच सके और कोई भी दिल्ली के अंदर बिना भोजन के परिवार ना रहे। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।